स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे स्पेस में पावर कैसे आता है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले पावर के बारे में आप जानना ये पड़ेगा कि पावर का ज़रूरत क्यों है। तो ज़रूरत दो चीज़ के लिए है। सबसे पहला ज़रूरत है कि आप जो भी सैटेलाइट डालें या जो भी प्रोब डालें या जो भी कुछ भी आप स्पेस में डालें उसका कोई काम होगा, उसका कोई पर्पस होगा, उस काम को समझना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आप जियो स्टेशनरी पे सैटेलाइट डाले हैं जिससे आपका DTH चलता है, जो डिश टीवी है या टाटा स्काई है, ये सब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उस पे चल रहा है, तो उसका पावर रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग होगा क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट बहुत बड़े रेंज पे कर रहा है तो वो ज़्यादा पावर खाएगा। फिर कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रहा है, वो मतलब सबको पूरी दुनिया को टीवी नहीं दिखा रहा है, तो उसका पावर रिक्वायरमेंट कम होगा। GPS सैटेलाइट का पावर रिक्वायरमेंट कम होगा। फिर स्पाइस सैटेलाइट में वो लोग बहुत बड़ा बड़ा सोलर पैनल नहीं लगाना चाह रहे होंगे क्योंकि वैसे कोई भी देख सकता है, मतलब नॉर्मल टेलीस्कोप से आप देख पाओगे ये सबको, क्योंकि ये नहीं कि ये बहुत बड़ा है लेकिन सोलर पैनल इतने बड़े होते हैं कि वो चमकता है तो आराम से पकड़ आ जाएगा कि कहाँ पे स्पाइस सैटेलाइट है। तो इसलिए स्पाइस सैटेलाइट चाहेंगे तो पावर बहुत लेकिन सोलर पैनल नहीं यूज़ करना चाहेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा हर चीज़ में जाने से पहले उसका क्या ज़रूरत है, उसका क्या विचार है, वो आपको समझना पड़ेगा। फिर अगर आप इंसान को रखना चाहते हैं स्पेस में, जैसे कि इसमें रखा जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जो इकलौता परमानेंट रेजिडेंट, मतलब हर समय कोई ना कोई आदमी इसमें रहता है पिछले 10-20 साल से, तो आदमी को ज़िंदा रखने के लिए स्पेस में आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि अर्थ के अंदर हमारा एक बफर है, वो बफर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। वो बहुत चीज़ से हम लोग को बचा कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मी और ठंडे को वो मैनेज करता है, वो आप ये भी समझिए रेडिएशन से बचाता है। आपके बॉडी में इतना वो प्रेशर रहता है कि आपका हार्ट एक्चुअली काम कर सके। आपको बहुत लोगों को पता होगा कि हार्ट अगर नहीं काम कर सकता अगर वो सिर्फ पंप आउट कर रहा है, पंप इन भी होना चाहिए, मतलब कोई चीज़ उसमें पंप इन, वो हार्ट जो है हमारा पंपिंग मशीन है, वो सकिंग मशीन नहीं है, वो खींचता नहीं है। तो मतलब हमारे केस में वो प्रेशर आधा मसल से आता है, आधा एटमॉस्फेयर से आता है। तो एटमॉस्फेयर का होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत हर चीज़ को देख के हिसाब यही बनता है कि स्पेस में रखना बहुत मुश्किल है आदमी को। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बिजली खर्च करनी पड़ती है। बिजली से आप उसे एयर फिल्टर चलाएंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग ना हो, आप उसे टेम्परेचर रेगुलेटर चलाएंगे, AC चलाएंगे या हीटर चलाएंगे, जो भी चाहिए आपको। तो अगर इंसान है तो पावर के बारे में तो सोचना ही नहीं, आपको चाहिए ही चाहिए। और सैटेलाइट है तो कितना पावर चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब आपको सोचना है। तो क्या क्राइटेरिया है, मतलब किस हिसाब से चुना जाता है, चुनने के लिए क्या क्या चीज़ को बैलेंस करते हैं। मतलब आप चाहोगे तो कि एक चीज़ जो हर चीज़ दे सके लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो हर चीज़ के बारे में थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। तो ये चार चीज़ है जिसके बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। सबसे पहला है पावर डेंसिटी। मतलब आप लोगों ने रॉकेट तो देखा ही होगा कि रॉकेट का जो पेलोड होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें जहाज़ के साइज़ का चीज़ डाल सकते हैं, आपको उसका साइज़ भी देखना पड़ेगा। तो साइज़ ऐसे समझिए कि सोलर पैनल को आप जो देखते हैं कि फोल्ड करके ले जाया जाता है, तो वो फोल्ड करने के बाद भी जगह तो खाते ही, ऐसा नहीं कि फोल्ड करके खत्म हो जाता है, फोल्ड करके जगह खाते हैं। जैसे मान लीजिए 100 लीटर का जगह खा रहा है, ठीक है, 100 लीटर का आपका एक वॉल्यूम खा रहा है, आप उसको खोल के बड़ा किया और आपको उससे 10 किलोवाट का पावर मिल गया, तो 100 लीटर जगह देने पे आपको 10 किलोवाट मिल रहा है। आप कोई RTG है जिसको रेडियो आइसोट्रॉपिक जनरेटर कहते हैं, वो आपको मान लीजिए 100 लीटर खा रहा है लेकिन सिर्फ 1 किलोवाट दे रहा है, तो आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि पावर डेंसिटी कितना है। फिर वो देखिए कितना आसान है यूज़ करना, मतलब ईज़ ऑफ यूज़। आप ये समझिए कि बहुत तिगड़म उगड़म लगा के अगर आप कुछ बनाते हैं तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आप नहीं करोगे इसको। तो तिगड़म बहुत ज़्यादा ना लगे, ईज़ ऑफ यूज़ भी सोचना पड़ता है। फिर आता है रोबस्टनेस, क्योंकि रॉकेट काफ़ी हिलता डुलता चीज़ है, तो जब उसको आप लॉन्च करते हैं वो टिक पाएगा कि नहीं, कि कांच का आप कोई चीज़ बना दिए कि हाँ स्पेस में तो बहुत अच्छा काम करे लेकिन स्पेस जाने में ही टूट गया, तो वो भी आपको चुनना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो रोबस्टनेस बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार आप स्पेस में पहुँच गए तो वहाँ आपको कुछ सोचना नहीं, आप स्पेस में पहुँच गए उसके बाद भी आपको, जैसे मान लीजिए बहुत बार स्पेसशिप में ये होता है रीओरिएंटिंग बर्न किए जाते हैं, जिसमें कि ऑर्बिट को स्टेबलाइज किया जाता है, सर्कुलाइजिंग ऑर्बिट किया जाता है, बहुत सारा डॉज किया जाता है, ऑर्बिट पाथ चेंज किया जाता है, उस दरमियान भी रॉकेट मतलब सैटेलाइट पे काफ़ी जोर लगाया जा रहा है, तो वो जोर क्या वो आपका पावर सोर्स हैंडल कर सकता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा बड़ा आप सोलर पैनल लगा दिए और रॉकेट पे जोर लगा धड़ाक से वो टूट गया, तो रोबस्टनेस को भी देखना पड़ेगा। फिर एंड में आता है कि लॉन्जिविटी कितनी है। ये लॉन्जिविटी प्रॉफिट पे आपका सबसे सीधा असर डालता है। मान लीजिए आपने कोई सस्ता सोलर पैनल डाल के पैसा बचा लिया लेकिन वो सोलर पैनल सिर्फ 10 साल काम करेगा और आपका 5 साल में मान लीजिए आपका 5 साल अगर वो काम करता रहा तो आपका पैसा वापस आ गया लेकिन 5 साल का ही प्रॉफिट आपका में आया। तो आप चुनो, आपको वो चाहिए या आप कोई बहुत महंगा सोलर पैनल ले लीजिए जो आपको लगभग कहिए 20-30 साल चलेगा और आपका प्रॉफिट अभी भी, लेकिन अब दाम बढ़ गया तो प्रॉफिट आपका 8-9 साल में आएगा लेकिन उसके बाद 10 से 20 साल तक आपका प्रॉफिट चलता रहेगा। तो
वही होता है बैलेंस, ये सब चीज़ को बैलेंस करना होता है। तो आइए चार बड़े ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है सोलर, हर कोई जानता है इसके बारे में, और ये सिंपल है, मतलब सिंपलिसिटी के मामले में इससे ज़्यादा कुछ सिंपल हो नहीं सकता। एक सेल है, सेल से डीसी पावर निकल रहा है जैसे बैटरी से निकल रहा है, और उसको आपको बस कनेक्ट कर देना, आपको कुछ सोचना नहीं है। सिंपलिसिटी के मामले में इससे कोई नहीं भिड़ सकता, और ये काफ़ी तगड़ा पावर देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10-20 वाट देगा, 10-20 किलो वाट से लेके 1-2 मेगावाट तक बनाया जा सकता है। पावर के मामले में आपको नहीं सोचना है, लेकिन एक चीज़ के बारे में ध्यान रखें कि ये लिमिटेड रेंज का है, मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकता धरती से। मतलब धरती के ऑर्बिट जो है सूर्य के तरफ जो घूम रहा है वो 8 मिनट का है, मतलब 8 लाइट मिनट का गैप है हमारे और सूर्य के बीच में। तो 8 से 20 मिनट तक का आप अगर गैप लेते हैं, ठीक है, वहाँ चलेगा, जुपिटर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे आगे चले गए, कितना भी अच्छा सोलर पैनल हो, वो कोई काम का नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ लगता है, मतलब कि अगर आप लाइट यहाँ 100 वाट का लाइट आपसे निकला, ठीक है, आपने 100 वाट की लाइट दिया और वो आगे जा रहा है, ठीक है, वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन वो घटता चला जाएगा। जैसे पहले 1 मीटर पे वो 100 वाट आया, 2 मीटर पे 50 वाट आएगा, उसके बाद 3 मीटर पे 25 वाट आएगा, उसके बाद 4 मीटर पे बहुत घट जाएगा। तो ऐसे घटते जाता है और वो स्क्वायर में घटते जाता है, इसलिए उसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। तो जैसे आप ये सोलर पैनल जो बनाया गया था जुपिटर पे जाने के लिए, ये सोलर पैनल अर्थ के पास बहुत बिजली देता, लेकिन जैसे जैसे जुपिटर के पास गया ये बहुत कम पावर देने लगा। ये मिशन को काफ़ी यूनिक कहा जाता है कि बहुत मेहनत किया था इंजीनियर लोगों ने कि इसका पावर कंजम्पशन कम रहे। सोलर पैनल को जो बेस्ट सोलर पैनल लगा सकते थे वो लगाए, बहुत मेहनत किया कि एनर्जी सेविंग की जा सके। और ये काफ़ी रिस्की मिशन था कि ऐसा हो सकता था कि वहाँ जाके ये वो पूरा मिशन ना कर पाए क्योंकि पावर ही ना रहे। तो समझिए जुपिटर अभी तक का तो सबसे फर्देस्ट वही है, और इससे थोड़ा ही आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। और जैसे मान लीजिए चांद पे जो लॉबजी बनाया जा रहा है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रिप्लेसमेंट होगा, जिस पे मैंने यहाँ वीडियो बनाया है, वो रिप्लेसमेंट के लिए भी सोलर पैनल यूज़ करें क्योंकि वो धरती के पास है, तो काफ़ी आराम से सोलर पैनल काम करेगा। लेकिन ये चीज़ आप हमेशा जान लीजिए कि सोलर पैनल रेंज लिमिटेड है, मतलब बहुत आगे जाना है, मान लीजिए सौर सिस्टम से बाहर निकल जाना है, नहीं ये सब काम देगा। वो छोड़िए जुपिटर तक में भी बहुत कम पावर देता है। फिर आते हैं सोलर थर्मल के बारे में। तो सोलर थर्मल जैसे आप ये सब देखते हैं कि जो सौर की गर्मी को एक जगह पे फोकस करता है, ये यूज़ किया जा सकता है स्पेस में। इसका फ़ायदा है, सबसे पहला फ़ायदा है कि सोलर सेल जो है वो पूरा जो हमारा सन है, जो फर्नेस है, उससे जितनी एनर्जी निकल रही है उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा निकाल सकता है, क्योंकि सोलर सेल जो सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है वो सिर्फ कुछ स्पेक्ट्रम में एक्टिव रहता है। थर्मल में ये फ़ायदा होता है कि वो सबका सबको यूज़ कर सकता है, वो मतलब समझिए इंफ्रारेड को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो ऑप्टिकल को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो अल्ट्रावायलेट को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, माइक्रोवेव को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये समझिए बहुत बड़ा मतलब स्पेक्ट्रम जो है उसको फोकस किया जा सकता है सिंपल मिरर से। तो इसका फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर का एरिया में आपको 100 वाट का पावर मिल रहा है स्पेस में, तो आपका सोलर पैनल जो है बहुत हुआ तो उसमें 20 देगा, बहुत 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 महंगा लिए तो 50 देगा, ये सब 60 से 80 के बीच में देने लगेगा। तो इसलिए सोलर रेडिएशन जो है, मतलब आपके पास जगह जो लिमिटेड है उसमें ये काफ़ी पावर देगा। दूसरा, ये एसी पावर देता है और बहुत देता है। एसी पावर होने का फ़ायदा कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ऐसा नहीं कि आप तार में ही आपका रॉकेट का वजन ख़त्म हो गया, तार पतला बनाया जा सकता है, एसी रहता है। दूसरा, अगर आप मेगावाट में बात कर रहे हैं, किलोवाट में नहीं, मेगावाट में बात कर रहे हैं कि 10 मेगावाट चाहिए, 50 मेगावाट चाहिए, तब ये सस्ता हो जाता है। अगर आप 2-3 किलोवाट के लिए ये इस्तेमाल करेंगे, ये अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन मेगावाट्स में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। लेकिन इसका भी वही प्रॉब्लम है कि रेंज लिमिटेड है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ जो आप यहाँ देख सकते हैं, वो है स्पेस से सोलर पावर लेके धरती में वापस भेजना। ये करना पॉसिबल है क्योंकि ये सोलर थर्मल में सब बहुत दाम कम हो जाता है, जैसे जैसे आप प्लांट बड़ा बनाते जाएंगे उसका दाम घटते चला जाएगा पर मेगावाट। तो वो वीडियो आप देखना चाहिए आप लोगों को, आपको समझ में आ जाएगा मैं सोलर थर्मल के पीछे इतना पागल क्यों। फिर आते हैं RTG, ये है डार्लिंग पावर सप्लाई सब स्पेस एजेंसी का। तो वो इसलिए है कि ये सबसे पहला वेरी लॉन्ग लास्टिंग, आप बस ऐसा समझिए इसको बैटरी की तरह, ये जो काला हिस्सा आप देख रहे हैं ये समझिए बैटरी की तरह आपने लगा दिया, अब भूल जाइए, आपको टेंशन ही नहीं लेना, आप भूल जाइए, ये 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 से 50 साल तक चलता है, मतलब आपको टेंशन ही नहीं, आपने लगा दिया, हाँ पावर घटता जाएगा, ऐसा नहीं कि ये जैसे मान लीजिए ये पावर प्लांट है 100 वाट का, तो 30 साल बाद भी 100 वाट देगा, 30 साल बाद ये लगभग कहिए 75 या 80 वाट देगा, तो थोड़ा कमी हो जाएगा, उससे कमी हो जाएगा, लेकिन सब मिला के देखिए ये बहुत लंबा चलता है। हम लोगों ने वोयेजर मिशन जो किए थे वो सबसे दूर गया है, वो 30 साल से चल रहा है, एज इन मतलब हम लोगों ने 30 साल पहले भेजा था, अभी तक चल रहा है। तो
इससे लंबा टिकने वाला तो कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरा, ये लोकेशन इंडिपेंडेंट, जो कि मैंने बताया सूर्य के बारे में सबसे बड़ा झंझट है कि आप एक हद से आगे नहीं जा सकते। लेकिन जैसे मान लीजिए आप मंगल पे उतर गए, मंगल में तो एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा नहीं कि हम लोग सांस उस ले सकते, लेकिन इतना है कि उसमें डस्ट स्टॉर्म जो होता है, जो कि गर्दे का वो समझिए तूफान आ जाता है, वो पूरा प्लैनेट को ढक देता है। तो उस दरमियान अंदर आपको सोलर एनर्जी नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये हमारा रोवर है जो RTG पे चल रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है। ये बोले लोकेशन इंडिपेंडेंट है, इसको कोई एक्सटर्नल चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आप इसको ज़मीन में गाड़ दीजिए तो भी पावर काम करेगा, आप इसको आसमान में फेंक दीजिए तो भी काम करेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसका दो सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक तो बहुत लंबा चलता है, ऊपर से इसको कोई लेना देना नहीं है कि आप कहाँ रखते। लेकिन ये बहुत कम कंट्रोलेबल, बहुत कम पावर देता है, ऊपर से कंट्रोल करने भी नहीं देता है। मतलब ये जैसे बोले ना, ये बैटरी की तरह काम करता है, ये रिएक्टर नहीं है कि जिसमें आपको अच्छा अभी ज़्यादा पावर चाहिए तो हम इसका पावर आउटपुट बढ़ा दिया, अभी कुछ कर नहीं रहे पावर आउटपुट घटा दिया। तो ये एक कंटिन्यूस बैटरी के तरह देते रहता है पावर। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, जैसे ये क्यूरियोसिटी रोवर है जो इसका RTG है, ये बहुत पावर नहीं देता, तो RTG से जो पावर है उसको बैटरी में डाला जाता है। बैटरी में RTG आराम से चार्ज हो रहा है। दिन में जब रोवर को चलाना पड़ता है उसका बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन होता है, बहुत बिजली खाता है, तो उसके लिए ये लोग सीधे बैटरी से चलाते हैं। फिर बैटरी जब डिस्चार्ज होता है फिर उसको RTG से चार्ज करते रहते हैं। मतलब ये समझिए कि ये मतलब RTG से सीधा नहीं चला सकते, उतना पावरफुल RTG नहीं होता है, तो बैटरी लगा लगा के ये करना पड़ता है कि ठीक है वो RTG से चार्ज हो गया, दो घंटे तक आपका रोवर पूरा बढ़िया से काम कर रहा है, फिर लो पावर मोड में चला गया तब बैटरी फिर से चार्ज हो रहा है। तो RTG का ये कीमत भरना पड़ता है कि ये बहुत कम पावर देता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि ठीक है RTG तो न्यूक्लियर ही है, तो क्यों ना न्यूक्लियर रिएक्टर सीधे दे दें, ये भी लोकेशन इंडिपेंडेंट होगा, बहुत बढ़िया बात है। फिर ये बात आप आते हैं कि इससे ज़्यादा पावर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर स्पेस में ले जाते हैं तो उससे ज़्यादा ऊर्जा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। सोलर पैनल भले दे सकता है लेकिन आपको बहुत अंदर जाना पड़ेगा, मतलब सूर्य है, पृथ्वी है, आपको अंदर जाना पड़ेगा, मतलब वीनस के लेवल पे जाना पड़ेगा या मरकरी के लेवल पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको ज़्यादा पावर मिलेगा। लेकिन अगर आप दूर गए तो न्यूक्लियर रिएक्टर तब भी उतने पावर देगा, नज़दीक गए तो भी उतने पावर देगा, और कंट्रोल भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 10 मेगावाट का पावर कंजम्पशन और आप 10 मेगावाट का सेटिंग कर दी, आराम से 10 मेगावाट मिल रहा है, ठीक है सब काम खत्म हो गए, सब लोग सोने गए हैं, आप पावर कम कर दो, कर सकते हैं। तो लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये फट सकता है। RTG को कुछ नहीं किया जा सकता, RTG का कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, ये अगर ठीक से मेंटेन नहीं किया जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान करेगा, ये फट जाएगा बम की तरह। तो ये इसका साइड इफेक्ट है। तो नासा अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस दरमियान इस रिएक्टर को बना रहा है, जिसको आप खोज सकते, मैंने लिंक भी दिया हुआ और आप खोज भी सकते हैं। इसको नासा कह रहा है किलो पावर, ये 1 से 10 किलोवाट का रिएक्टर डिज़ाइन है, और इसका आइडिया बहुत सीधा है, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसको स्टर्लिन इंजन से ये लोग बिजली बना के दे रहे हैं। तो ये 10 साल ही चल पाएगा, ये RTG इतना लंबा नहीं चल सकता, लेकिन पावर बहुत देता है। मतलब RTG 1 किलोवाट का RTG तो अभी तक तो मैंने कोई खोजा नहीं है, और बनाना भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पावर के मामले में ये सोचना नहीं। और सोवियत यूनियन ने तो न्यूक्लियर रिएक्टर को लेकर सैटेलाइट के अंदर डाल दिया था, जो ये सैटेलाइट है, और वो ऐसा इसलिए कहते कि स्पाई सैटेलाइट में अगर आप बहुत बड़ा सोलर पैनल लगा देते हैं तो वो बहुत आराम से दिख जाता है कौन है कहाँ है। तो साइज छोटा रखने के लिए ये लोग ये इस्तेमाल किए थे न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लेकिन ये समझना पड़ेगा ये खतरनाक चीज़ है, इसके साथ मजाक नहीं किया जाता। RTG से आपको कोई लेना देना नहीं, आप RTG लगाए भूल गए, लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर एनर्जी के बारे में, जो आप स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए। आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और मैं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहाँ तक देख ही लिए तो सब्सक्राइब कीजिए, आप घंटी मत बजाइए कोई बात नहीं है, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं अगर आप इतने दूर तक देख लिए हैं तो। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।